हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी कद्दू की सब्जी, जो कि दोस्तों इस टाइम पर कद्दू बहुत ही मुलायम मुलायम सा मार्केट में आता है और बहुत ही इजीली मिल जाता है। और इस टाइम कद्दू की सीजन भी चल रही है और सीजन में सीजनली सब्जियां जरूर खाना चाहिए, तो ऐसे में कद्दू की सब्जी बनाना तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, 700 ग्राम कद्दू है दोस्तों। तो हमारे यहाँ जब समूचा कद्दू रहता है तो इसे लेडी से नहीं काटती हैं, तो ये मैंने भाई से पहले कट करवा लिया है, उसके बाद मैं इसे काट रही हूँ। चाहे हमारे यहाँ कद्दू हो या फिर कटहल हो, कोई भी लेडी समूचा जब रहता है उसे नहीं काटती है, जेंट्स ही पहले उसको काट देते हैं, उसके बाद ही ये कोई काटता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कद्दू को हमने इस तरीके से काट लिया। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम सा कद्दू है दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना इजीली ये कट जा रहा है। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं अपना कटा हुआ कद्दू। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने सारा कद्दू इस तरीके से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ हमने गैस पर रखा कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाल दिया सरसों का तेल, और तेल हमारा गर्म हो गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ साबुत तड़के। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले मेथी दाना, उसके बाद राई, और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे जीरा, और इन सभी चीजों को अच्छे से चटक जाने देते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिया तड़के में सूखी वाली लाल मिर्च, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। और इन सब को अच्छे से चटक जाने देते हैं। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है लहसुन, 4 से 5 कलियों को हमने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया था दोस्तों। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से हम तड़के को पक जाने देते हैं सबसे पहले दोस्तों, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ एक टमाटर। तो हींग यहाँ पर मैं डालना भूल गई थी, तो हींग को भी हमने डाल दिया एक चुटकी, जिससे कि फ्लेवर और डाइजेशन दोनों ही अच्छा रहता है। साथ ही हमने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया है स्लाइस में कटे हुए। आप टमाटर जब हमने डाला है तो यहाँ पर नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर हमारा बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर सब्जी में जितना नमक चाहिए उतना नमक हमने यहाँ पर डाल दिया है। और अब यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हमने डाल दिया 1 आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही 1 आधा छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही हमने डाल दिया यहाँ पर 1 आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। और मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। और साथ यहाँ पर हमने डाल दिया चटपटा बनाने के लिए कद्दू की सब्जी को, तो हमने डाल दिया यहाँ पर 1 आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, जिससे कि बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा कद्दू की सब्जी में। और अब यहाँ पर हमने डाल दिया भुना कुटा हुआ जीरा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी मसालों को डाल दिया है, और यहाँ पर अभी हमने थोड़ा सा भी पानी का यूज नहीं किया है, क्योंकि कद्दू में ऑलरेडी पानी होता है दोस्तों, और जैसे जैसे हमारी सब्जी पकती जाएगी ये पानी इसमें छोड़ता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पर आलूओं को मिक्स कर भी कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम सा कद्दू है, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अच्छे से इसको चलाकर ढक दिया है दोस्तों लो फ्लेम पर, और इसे हम बीच बीच में खोल कर चलाते जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये अच्छे से पका नहीं है। ऐसे ही हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो एक बार दोस्तों इस तरीके से अगर आप कद्दू की सब्जी बनाएंगे तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। यकीन मानिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब कद्दू की सब्जी बनती है। तो दोस्तों, कद्दू की सब्जी जल्दी आप देखते हैं कि दोस्तों इसे पूड़ी के साथ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी भी बना रखा है दोस्तों, उसको हमने नहीं वीडियो में दिखाया है, क्योंकि पूड़ी के साथ ही कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारी सब्जी आप देख सकते हैं दोस्तों पक गई है, यानी कि अच्छे से खाने लायक हो गई है। अब हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है दोस्तों। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म हमारी जो है कद्दू की सब्जी बनकर तैयार है। आप पूरी, परोठे, चावल किसी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।